दोस्तों फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर बहुत ही जल्द बिग बिलियन डे सेल लाइव होने वाली है। सो इस बार भी आपको जो आईफोन 12, 13, 14 और 15 में अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, प्राइस ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आईफोन का बिग बिलियन डे सेल पर प्राइस क्या रहने वाला है, सेल्स डेट क्या होगी, बैंक ऑफर कितना देखने को मिलेगा, ईएमआई को अवेलेबल होगा या फिर नहीं होगा, सीओडी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और काफ़ी सारे लोगों का ऑर्डर कैंसिल हो जाता है जैसे ही वो बिग बिलियन डे सेल पर ऑर्डर प्रोसीड करते हैं, तो उससे आप कैसे बच सकते हो, इन सभी के बारे में डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 12 के प्राइस की। तो देखिए आईफोन 12 का जो प्राइस रहने वाला है वो बिग बिलियन डे सेल पर आपको 27,999 रुपए के करीब देखने को मिल जाएगा, और ये आपको कार्ड डिस्काउंट के साथ देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप जो है अमेजोन के लिए SBI का कार्ड जरूर से रेडी रखें, इसके आपको लिए आपको 10-14% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप फ्लिपकार्ट पर बाई करना चाहते हो तो आप एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और साथ ही साथ HDFC बैंक का कार्ड जरूर से रेडी रखें, या फिर इन तीनों में से किसी एक का कार्ड जरूर से रेडी रखें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पर भी आपको 10-12% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जो कि 6,000-8,000 रुपये लगभग होता है। तो दोनों से केस में आपको जो कार्ड रेडी रखना है, आपको किसमें बाय करना है। बाकी अगर बात करें आईफोन 13 के प्राइस की, तो आईफोन 13 पिछले बिग बिलियन सेल पर हमें 39,999 रुपये यानी कि 40,000 रुपये के प्राइस पर अमेजोन पर लाइव होते हुए देखने को मिल गया था। इस बार जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो है 35,999 रुपये यानी कि लगभग 36,000 रुपये के प्राइस के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेड है, और ये भी आपको जो कार्ड डिस्काउंट के साथ देखने को मिलेगा, तो ज़रूर से कार्ड रेडी रखें। बाकी बात करते हैं आईफोन 14 की, तो देखिए आईफोन 14 का प्राइस लगभग आपको 42,000 रुपये के करीब देखने को मिल जाएगा बिग बिलियन डे सेल पर। आईफोन 14 प्लस के बारे में भी आपको बताऊँगा, बट मैं आपको आगे बताऊँगा, उससे पहले जान लेते हैं आईफोन 15 के प्राइस की। तो आईफोन 15 का प्राइस आपको लगभग 50,000 रुपये के करीब देखने को मिल जाएगा, क्योंकि देखिए फ्लिपकार्ट और अमेजोन के बिग बिलियन डे सेल पर काफ़ी ज़्यादा हाइप रहती है आईफोन पर, तो ऐसे में उनको जो एक बेस्ट स्मार्टफोन पर अच्छा खासा डिस्काउंट देने को मिलने वाला है, और मोस्ट प्रोबेबली इस बार हमें जो आईफोन 15 में देखने को मिलेगा इस पर आपको तगड़ा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो आईफोन 15 इस साल का जो है सबसे बेस्ट स्मार्टफोन होगा अगर आपको जो आईफोन खरीदना है तो बिग बिलियन डे सेल पर, और ये भी प्राइस आपको कार्ड डिस्काउंट के साथ मिल जाती है, तो कार्ड जरूर से रेडी रखें। बाकी बात की जाए आईफोन 14 प्लस की, तो आईफोन 14 प्लस का प्राइस हमें 45,000 रुपये के प्राइस के आसपास देखने को मिल जाएगा बिग बिलियन डे सेल पर, और आईफोन 15 प्लस हमें 56,000 रुपये के प्राइस के आसपास देखने को मिल सकता है। इतने ही प्राइस मैंने आपको आईफोन से रिलेटेड बताई एक्सपेक्टेड प्राइस हैं, जनरली इसी के आसपास ही हमें जो प्राइस रेंज देखने को मिलता है, तो इससे ज़्यादा या फिर थोड़ा सा कम हो सकता है, बाकी मान के चलिए कि यही प्राइस रहने वाला है। अब बात करते हैं कि आईफोन 12 इस बार मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि आईफोन 12 जो है नहीं मिलता, तो इस बार हो सकता है ये लास्ट चांस हो आईफोन 12 का बिग बिलियन डे सेल पर हमें कोई ऑफर देखने को मिले। अगर इस बार भी हमें देखने को नहीं मिलता तो समझ जाइए कि आईफोन 12 और हमें कभी देखने को नहीं मिलने वाला। बाकी बात करते हैं कैसे आप कैंसिल होने से बच सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को आईफोन जैसे ही ऑर्डर करते हो कैंसिल हो जाता है। उसका मेन कारण होता है कि वो प्लस और प्राइम मेंबर लेकर के नहीं रखे रहते हैं, तो अगर आप प्लस और प्राइम मेंबर लेकर के रखे रहोगे तो एक दिन पहले ही आपको सारे स्मार्टफोन के प्राइस देखने को मिल जाएंगे, इससे आप जो है जल्दी से ऑर्डर प्लेस कर पाओगे और आपके कैंसिलेशन होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। ईएमआई का ऑफर इस बार आपको देखने को नहीं मिलेगा और ना ही सीओडी का ऑफर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ईएमआई और सीओडी दोनों ही आपको जो देखने को नहीं मिलने वाले, तो कम्प्लीटली आपको जो है प्रीपेड करना होगा। अब आप देख लीजिए कि आपको इतना महंगा फ़ोन ऑनलाइन मंगाना है या फिर नहीं मंगाना है, और मेक श्योर कि जब भी आप आईफोन मंगाएं उसका एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो तैयार करके रखें, जैसे आप बॉक्स को ओपन करते हो अनबॉक्सिंग टाइप वीडियो बनाना जरूरी है, इससे आप सेफर साइड पर रह जाते हो, क्योंकि काफ़ी सारे जो है फ्रेक या फिर फ्रॉड के जो है घटनाएँ आ रही हैं उनसे आप बच सकते हो। बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।